हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे चाइनीज स्टाइल वेज सेवैयाँ। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, इसे हमने पतला लंबा काट लिया है। दो गाजर, इसे भी मैंने पतला और लंबा काट लिया है। एक छोटे साइज का शिमला मिर्च, इसे भी पतला लंबा काट लिया है। और थोड़ा सा पत्ता गोभी, इसे भी हमने बारीक काट कर ले लिया है। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी सी हरी मटर और एक कटोरी मोटी वाली सेवई। यहाँ पे हमारी सेवई पहले से भुनी हुई है। अगर आपकी सेवई भुनी नहीं है तो आप उसे हल्का सा भून लीजिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च, इसे भी मैंने लंबा काट कर ले लिया है। और लिया है साथ ही थोड़ी सी हरी धनिया के पत्ते। अब यहाँ पे हम बर्तन में डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी में उबाल आ गया है, इसमें हम मटर को डाल देंगे और इसे 1 मिनट उबाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम सेवई को डाल देंगे और सेवई को अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट उबाल लेंगे। और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे ये तली में चिपके ना। यहाँ पे हमारी सेवई 80% उबल गई है। अब इस टाइम पे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी छान के निकाल देंगे और इसे एक बार हल्का सा ठंडे पानी से धोकर साइड में रख देंगे। यहाँ पे हम पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम लहसुन की कलियों को डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे हरी मिर्ची को। इसे हम 15 से 20 सेकंड भुनेंगे, जिससे लहसुन का कच्चा टेस्ट निकल जाए। यहाँ पे लहसुन हल्का सा भुन गया है। अब इसमें हम प्याज को डाल देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे प्याज को भी 10 से 15 सेकंड भुनेंगे। तो यहाँ 10 से 15 सेकंड हो गए हैं। हम इसमें पत्ता गोभी को डाल देंगे और पत्ता गोभी को अच्छी तरह से चला लेंगे। उसके बाद इसमें हम शिमला मिर्च और गाजर को भी डाल देंगे। यहाँ पे हम सब्जियों को पकाएंगे नहीं, इसे हम 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे भुनेंगे, जिससे सब्जियों का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। हम इसमें सब्जियों के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और इसे हम चलाते हुए भुनेंगे। इसे हमें चलाते रहेंगे वरना सब्जियाँ एक साइड से जल जाएंगी। सब्जियों को भुनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सब्जियों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसमें हम उबले हुए मटर और सेवई को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिला लेंगे। सब्जियां और सेवई अच्छी तरह से मिलके तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चिंग्स चाइनीज मसाला और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मैगी मसाला। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच टोमेटो सॉस और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम यहाँ पे फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट और भुनेंगे। 2 मिनट बाद इसमें हम ऊपर से डालेंगे हरी धनिया। 1 चम्मच मैगी मसाला लास्ट में डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और हमारी चाइनीज स्टाइल वेज सेवैयाँ बनके तैयार हो गई है खाने के लिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।